भाई आपके व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि पहले बढ़ा करता था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 9 और इस समय जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जहाँ पर हम खड़े हैं, क्योंकि बगल में है किचन और किचन में क्या बन रहा है कुछ देर में जा करके देखेंगे। और फिलहाल जो है क्रियांश गया हुआ है अपनी दादी माँ के साथ, क्योंकि इतना ज्यादा जिद मचाने लगा क्रियांश कि उसको बाहर जा करके घूमना है। तो क्रियांश अपना चला गया बाहर घूमने के लिए। भाई साहब को बाहर घूमने में दुनिया का सबसे ज्यादा आनंद आता है। दो तीन चीज है, जैसे कि उसको बाहर घूमना है उसमें आनंद आता है, दूसरा पानी से खेलना है, पानी से तो छोड़ दीजिए खेलते रह जाएगा, और उसके बाद तीसरा चीज किसी भी जगह पर चढ़ने में बड़ा मजा आता है। थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, कोई एक बॉल ही मिल जाए तो बॉल के ऊपर पैर रख करके जो ऊपर चढ़ जाएगा। तो भाई साहब को लगता है क्लाइंबर बनना है, तो कोई बात नहीं, यह स्कोप देखा जाएगा आगे की आखिर इस फील्ड में वो कहां तक जाता है। और फिलहाल चलते हैं जी किचन, जैसा कि बोला आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर जो है लाइट की कमी है, थोड़ा बैक लाइट जला दीजिए। कोई बात नहीं, तो भी उसे सही आ रहा है। तो चलिए जी, मैंने जो है बैक लाइट जो है जला लिया है, और यहाँ पर जो है रोटी बन रहा है और लगता है कि सब्जी यहाँ बन चुका है। दाल कद्दू की सब्जी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसी चीज की, और साथ में कटहल का दिन में भी खाए थे, बहुत मजा आया था, रात के लिए भी थोड़ा रह गया, अच्छी बात है। और आम की चटनी है, तो अच्छा है जी, मजा है सभी के लिए। तो जल्दी जल्दी रोटी बनाया जाए, आपके लिए रोटी, डैडी के लिए रोटी, बाकी सारे बस एक चीज जो है क्या किया जाए। अब से हम सोच रहे हैं क्या, दो रोटी खाएंगे, खीरा भर के खाएंगे, तो हम खीरा लेते हुए आ जाएंगे। खीरा नहीं, और सलाद में जो जो होता सब ले आया। नहीं, सबसे ज्यादा हम खीरा खाएंगे, खीरा बहुत अच्छा लगता है हमको। जितना हमको खिला देगी, आधा किलो एक किलो सारा खीरा हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आपके लिए जो है ना जीरा पाउडर बना के रख देंगे ना, उसके ऊपर डाल के खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमारा खाना लग गया है जी, और खाने में रोटी तो वो भी एकदम गर्म गर्म तवे से निकाल करके मिल रहा है, तो मजा आ रहा है। और साथ में यहाँ जो आम की चटनी मिल जाता है, स्वाद भर जो है नहीं कहते हैं, और भी थोड़ा सा चार चांद लग जाता है। मजा आ गया कसम से। 20 minutes later तो फिलहाल जो है क्रियांश का खाना हो गया, और अब जो है क्रियांश को लेकर के चलते हैं घूमने के लिए। इसको जो खिलाया जाता है सामने ऐसे टीवी चला देते हैं तभी खाता है, वरना ये उसे खाता ही नहीं है। इसका ध्यान जब रहे कि हमको बस खाना है तो उसके बाद खाएगा ही नहीं, देख रहे हैं नाटकबाज को। तब चलते हैं इसको बाहर, चल कर घुमाते हैं क्रियांश को, और जैसे यहाँ से जाएगा भूल जाएगा टीवी की और बाकी चीज किया। चलते हैं। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9 और इस समय जो है खाना सब बन रहा है। तो खाने में देख सकते हैं यहाँ पर आलू प्याज और साथ में शिमला मिर्च, इन सब का भुजिया बनने वाला है, साथ में करेले का भरवा जो है यहाँ भी अच्छा खासा वो सब जो है तैयार है। इसी में टाइम लगता है सबसे ज्यादा। ओके, और फिलहाल जो है हमको मसाला लगता है, तबियत खराब, वही बनेगा। हम आई हो समझती है क्योंकि माँ बनाती, एक समय लगेगा, तो मसाला डैडी का डिमांड भी स्पेशल स्पेशल है। जब हैसियत को जाता है अपना सब कुछ, तो आदमी एज के पड़ाव पर आ जाता है, तब वो प्रेशर है, शुगर है, यही बात है, समय की बात है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खूब खाइए, खूब ऐस मौज कीजिए, क्योंकि यह समय जो है जा रहा है, दोबारा नहीं आता। सुबह के बज रहे 11 और सारा खाना पीना बन चुका है, पतिदेव खा भी रहे हैं इधर, और क्रियांश गया है नहाने के लिए। कुछ देर वो पानी से खुद ही खेलता है, उसके बाद उसको नहा देते हैं। तो थोड़ी देर खेल रहा है, अभी डैडी ऊपर पूजा कर रहे थे, तो वो पूजा रूम में घुसने के लिए इतना परेशान कर रहा था। क्या बोलो बोलो, वहाँ पे दो दो बाइक लगा हुआ है, ये बाहर नहाएगा। गुस्सा कर रहा है। तो खाना कैसा लगा आपको? करेला करेला भी अच्छा लगा। ये करेला हमको इतना अच्छा नहीं लगता है, इसमें मसाला सब भर के दिया हुआ है तो अच्छा लग रहा है। इस टाइप का जो करेला खाएगा ना, जिसको करेला पसंद नहीं है वो भी खाएगा। अच्छा लग रहा है। आम का चटनी से तो और मजा आ रहा है। आम का चटनी तो वो जीरा डाल के जो बनाते हैं वो आपको अच्छा लगता है? खाना में बस चटनी और अचार अलग से मिल जाए, मजा आ जाता है। बाहर मोटर चला देते हैं, तो चलिए मोटर चला देते हैं। चला दिए माँ। तो खाने में क्या क्या बना है? बना हुआ है आम की चटनी, ये और ये करेले का भरा हुआ, करेले का भरा हुआ, और ये
का भरा हुआ, उसके अंदर पूरा मसाला रहता है। यहाँ पे भुजिया, दाल, चावल और इसमें रोटी। तो हमारा खाना यही बना है, आपके यहाँ क्या बना है कमेंट में बताइएगा। तो आज हमारे यहाँ यही बना हुआ है और मुझे लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है। डेली मुझे ना 2 बज जा रहा है आजकल, तो आज जा रही हूँ मैं पहले नहा लूंगी। अभी माँ पकड़ी हुई, इसके बाद आप पकड़ लीजिएगा क्रियांश को। क्रियांश का स्नान हो गया जी, और क्रियांश को नहाने में जो है हम भी अच्छा खासा गीला हो गए, देख रहे पैंट वेंट पूरा गीला हो चुका है। तो हम भी चलते हैं नहा लेते हैं, वरना गीले पैंट में और गीले कपड़े में जो है कितने देर चलेंगे। तो चलते हैं नहाते हैं। तो यहाँ पर क्रियांश सोया है, तो जैसे ही सोया है तो अब उसका फायदा उठाया जा रहा है। जिया जो है अपना खाना वाना लगा लिए, हम लोग तो भले पहले ही खा लिए हैं तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। और माँ बोलती थी जय घर के जवान सुता देवे मालिक। अच्छा सहबाज तोरा सबका खन दौड़े वाला उम्र छो, सुते वाला उम्र हमर छो, तो ही सुते लागबी तो भारत के भविष्य। नहीं तो एक ठो बात ये भी कहा गया है पावर नैप कि मुश्किल से आधा घंटा और 45 मिनट का एक जो नींद होता है दोपहर का, उसके बाद जो शरीर में एनर्जी आता है, फुर्ती आता है, तो वो फुर्ती अलग बात। सब कुछ कीजिए लेकिन पहले काम का प्रायोरिटी। हाँ तो काम भी रहेगा और आराम भी रहेगा, काम और आराम दोनों जरूरी। काम तब आराम, जो आराम के पीछे रह गया उसका जिंदगी हराम हो। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है, खाने में है दाल। ये दाल ना मुझे इस टाइप का एकदम थोड़ा सा कम दाल रहे, पानी जैसा रहता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा गहरा वाला भी दाल बनाते हैं ना तो मैं ऊपर से ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा खाना पसंद है। और आलू का भुजिया, आम की चटनी और सलाद, और मसाले वाला करेला जो हमारे घर में सबको पसंद है, स्पेशली हमारे ससुर जी को बहुत पसंद है, मैं उनके लिए बनाती हूँ। हमारी सासू माँ को भी बहुत पसंद है, लेकिन उनको थोड़ा सा है कि मसाला सब कम खाती हैं, लेकिन हमारे ससुर जी को बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। और चावल रोटी, वैसे तो दिन में ज़्यादातर हम लोग चावल ही खाते हैं, लेकिन आज रोटी भी हमने अपने लिए बनाया, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपका वेट जो है थोड़ा कम है तो आप रोटी भी खाया करो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने सोचा चलो जी आपका बात मानते हैं, और हमारा स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा गिर भी गया है तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य को ध्यान भी देना चाहिए। तो खाना खाते हैं, और आपके यहाँ लंच में क्या बनाए कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे बहुत आसानी होता है कि हमको भी ये बनाना चाहिए, हमको भी वो बनाना चाहिए, तो बहुत आसानी होता है। तो कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत जोर की भूख लगी है, खाते हैं। One hour later. देख सकते हैं क्रियांश, क्रियांश के पापा के। तो अंदर में क्रियांश और क्रियांश के पापा लेटे हुए हैं। जब तक मैं शूट करती हूँ ना तब तक क्रियांश के पापा उसके पास लेटे रहते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, फिर ही लोग आगे जाता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। उसको अगर मैं अकेले छोड़ करके ऊपर छत पे चली जाऊँगी शूट करने, कब इधर से उधर भाग जाएगा। इस वजह से ये अपना सारा काम धाम उस टाइम छोड़ करके उसके पास लेटे रहते हैं। और पीछे ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, ये रहा मेरा सैंडल। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे शूट करने के लिए, थोड़ा बहुत कॉमेडी वगैरह हमने नीचे में शूट कर लिया, और क्रियांश मेरा उठ गया है, अब छत पे शूट करना पड़ेगा मुझे। वैसे भी फोटो वगैरह हम तो हम छत पे ही लेते हैं, और कहाँ पे लेते हैं मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, हमारा इतना सारा फुटवेयर, ये खाली शूट के लिए रहता है, शूट करती हूँ फिर खोल के रख देती हूँ, पहनती नहीं हूँ इतना, मुझे बस नॉर्मल सा स्लीपर अच्छा लगता है। और मेरा जो बैकग्राउंड आप फोटो में देखते हैं ना वो वहाँ का रहता है। और ये धूप देखिए कितना धूप, और ये हमारा साड़ी। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर साड़ी है, ये देख सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। One hour later. हमारा सूट सारा कंप्लीट हो चुका है, और लग रहा है कि एकदम शरीर जो है पूरा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और एकदम जलन जलन सा लग रहा है, और ऊपर में इतनी तेज हवा चल रही थी कि जैसे तैसे कंप्लीट किया आज मैंने शूट। और प्यास भी उठ चुका है, पानी पी रहे हैं ठंडा ठंडा पानी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा। और हमने अभी क्या वीडियो शूट किया अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पे जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं हम डेली, और वो सारा वीडियो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ज़्यादातर तो आपको फेसबुक पे मिलेगा, तो वहाँ जाकर के ज़रूर देखिएगा। हमारे फेसबुक का नाम है जिया शाश्वत रॉय। तो जिया का भी फाइनली सारा काम निपट गया, और क्रियांश भी जग गया, और क्रियांश चला गया है वहाँ दादा दादी के पास, तो अंदर में चल करके जो खेल रहा है। बाकी जी एक मैं कमेंट देख रहा था भी, ये बात सही है आप लोगों का कि मैं जो है थोड़ा सा रेगुलर नहीं रहता हूँ वीडियो को लेकर के, क्योंकि घर में जो है कुछ अलग भी व्यस्तता सब रहता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है यहाँ पर जो है फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा
कि यहाँ जो हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और इसी पर हम लोग डिपेंड है, हम लोगों को कुछ अलग काम है तो वहाँ पर मेन प्रायोरिटी रहता है हम लोगों का। तो इस वजह से जो है इसको साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, अपना एक लाइफ है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ यह कमेंट था कि भाई आपके व्यूज बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर उस तरीके से नहीं बढ़ रहे जैसा कि पहले बढ़ा करता था। जी सही बात है जी, सबका एक प्राइम टाइम होता है, उस समय चैनल जो है इस तरीके से बढ़ रहा होता है, फिर एक समय जो फ्लैट हो जाता है। तो वही हमारा स्टेज आ चुका है, कोई फंक्शन वगैरह आएगा तो उसमें तो आते हैं व्यूज, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ इवेंट जब तक नहीं आएगा तब तक नॉर्मली ऐसा चलता रहता है। बाकी अभी क्रियांश का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें भी हम लोग कुछ क्रियांश का देखिए जी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है काफी अच्छे से सेलिब्रेट करें। बात क्या हो गया जी, जैसा कि मैं कई बार पहले के वीडियो में बोल चुका हूँ कि कंपटीशन का जमाना हो चुका है, बहुत सारे ब्लॉगिंग कैटेगरी में लोग आ चुके हैं और एक टॉपिक अगर आप डालोगे तो उसके ऊपर जो है आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो अब कंपटीशन है, हमेशा आपको यूनिक कंटेंट लाना होगा और किसी भी ब्लॉगर के लाइफ में 365 दिन इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। हाँ हालांकि जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और बाकी नेगेटिविटी सब चल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बस कुछ पैसा कम ही आए लेकिन अपना इज्जत बना रहे। तो यही बात है जी, और बाकी आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। तो आज हो सकता है कि हमारा इस तरह का फ्लैट का समय है तो किसी समय ऐसे उठेगा, तो वही आशा करते हैं। भैया का ऊपर हो गया है काम शायद आपको। अच्छा काम हो गया इसी वाले भैया का, तो चलो हम चलते हैं ऊपर। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चाहते नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं बोले हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।